रूट करने का जोड़ घटाना गुणा भाग सीखें। तो आज हम लोग सीखेंगे करनी का जोड़ घटाना गुणा भाग करना। एक ही वीडियो में हम लोग जोड़ घटाना गुणा भाग चारों चीज़ें सीखने वाले हैं। तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिए, बहुत ही अच्छी तरह से आपको आज क्लियर हो जाएगा कि करनी को कैसे जोड़ते हैं, कैसे घटाते हैं, कैसे गुणा करते हैं और कैसे इसका भाग करते हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर करिएगा। यहाँ पर देखिए, पहले हम लोग रूट का जोड़ करना सीखेंगे। रूट के जोड़ करने में पहले देखिए, जो संख्या होती है यहाँ पर आगे, तो इसको हम पढ़ते कैसे हैं, चार करनी में दो। यहाँ पर देखिए, चार करनी में दो, और ये क्या है, करनी में दो। तो इसको हमें जोड़ना है, चार करनी में दो और प्लस करना है करनी में दो को। तो यहाँ पर देखिए, चार करनी में दो है और यहाँ पर एक करनी में दो है, क्योंकि यहाँ पर एक ही करनी में दो लिखा गया है और यहाँ पर चार लिख दिया गया है, इसका मतलब ये चार करनी में दो है। ये चार करनी में दो और ये एक करनी में दो। तो कोई भी चीज़, इसको अगर आप मान लेते हैं, मान लीजिए ये कोई चीज़ है, तो ये एक चार चीज़ है और प्लस एक चीज़ है, तो उसको हम जोड़ेंगे तो कितना आएगा, पाँच। पाँच चीज़ मतलब कि चार करने में दो प्लस एक करने में दो, तो कितना हो गया, पाँच करने में दो। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, चार करने में दो प्लस करने में दो बराबर क्या हो जाएगा, पाँच करने में दो। चार करने में दो और एक करने में दो, चार और एक पाँच करने में दो। तो इस तरह से ये हमारा आंसर हो गया, पाँच करने में दो। इसी तरह से देखिए, यहाँ पर क्या है, करने में पाँच प्लस करने में पाँच, मतलब कि एक करने में पाँच यहाँ पर है और एक करने में पाँच यहाँ पर है। तो एक करने में पाँच प्लस एक करने में पाँच कितना हो जाएगा, करने में पाँच प्लस करने में पाँच बराबर क्या हो जाएगा, एक करने में पाँच प्लस एक ये है, एक ये करने में पाँच, मतलब एक और एक मिला करके क्या हो जाएगा, दो करने में पाँच। तो ये हमारा आंसर हो गया। उसके बाद देखिए, यहाँ पर है दो करने में तीन प्लस करने में दो। अब यहाँ पर देखिए, जब करने में जो संख्या अंदर होती है करने के, अगर वो बराबर नहीं होती है तो उसको हम नहीं जोड़ सकते हैं। यहाँ पर देखिए, पाँच, यहाँ पर भी पाँच था तो हम इनको जोड़ दिए, यहाँ पर भी दो था, यहाँ पर भी दो था तो हमने इसको जोड़ लिया। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो करने में तीन है, ये क्या है, करने में तीन है और ये क्या है, करने में दो है। तो करने में तीन को करने में दो से तो हम जोड़ नहीं सकते। तो जब दो ये दोनों संख्याएं अलग अलग होती हैं करने के अंदर की, तो उन्हें हम नहीं जोड़ सकते हैं। तो इसका आंसर वही एज इट इज होगा, दो करने में तीन प्लस दो करने में दो, मतलब कि हम इसे नहीं जोड़ सकते। तो इस तरह से होगा, जब भी करने के अंदर की संख्याएं बराबर होती हैं तभी हम उनको जोड़ सकते हैं, बराबर मतलब सेम होंगी। फिर यहाँ पर देखिए, अब हम लोग सीखेंगे रूट का घटाना। तो घटाते कैसे हैं, यहाँ पर देखिए, करने में पाँच, सॉरी पाँच करने में तीन है और दो करने में तीन है। तो करने में तीन दोनों जगह बराबर है, तो यहाँ पर है पाँच और यहाँ पर है दो। पाँच करने में तीन में से दो करने में तीन को हम निकाल देंगे तो कितना बचेगा, तीन करने में तीन कितना हो जाएगा, बराबर में तीन करने में तीन, ये हमारा आंसर होगा। क्योंकि देखिए, यहाँ पर सेम है, करने में तीन और करने में तीन सेम है। अगर हम इसको यक्स ही मान लें, मतलब मान लीजिए पूरे के जगह यक्स है, तो पाँच यक्स माइनस दो यक्स तो कितना हो जाएगा, तीन यक्स। तो इसी तरह से यक्स की जगह करने में तीन, अगर आप देखिए, अगर करने से आपको डर लगता है तो देखिए, करने में तीन यहाँ पर पाँच में से दो चला गया तो बचा तीन करने में तीन। उसके बाद यहाँ पर देखिए, तीन करने में तीन है और एक करने में तीन है, तीन में से एक करने में तीन को हमें निकालना है। तीन करने में तीन में से एक करने में तीन जाएगा तो बचेगा दो करने में तीन, इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखिए, यहाँ पर है दो करने में आठ और ये करने में दो। यहाँ पर देखिए, जब समान नहीं होगा तो हम इनको घटा नहीं सकते। जैसे जोड़ में होता है कि जब समान रहेगा करने के अंदर की संख्या तभी हम उसको जोड़ सकते हैं, उसी तरह से घटाने में भी होता है, जब ये समान होगा तभी हम इसको घटा सकते हैं। तो यहाँ पर भी एज इट इज आंसर होगा इसका, इसको हम घटा नहीं सकते, ये हो जाएगा दो करने में आठ माइनस करने में दो, हमारा यही आंसर होगा, इसको हम घटा नहीं सकते। उसके बाद देखिए, गुणा कैसे करते हैं। अब हम लोग सीखेंगे रूट का गुणा करना। अब देखिए, यहाँ पर करने में सात है, इसको गुणा करना है करने में सात से।
जब संख्याएं कर्णी के अंदर की संख्या समान होती है तो कर्णी हट जाती है और वही संख्या सेम बचती है। मतलब कर्णी में सात को कर्णी में सात से हम गुणा करेंगे तो हमारा आंसर आएगा सिर्फ सात, यही हमारा आंसर आएगा। उसके बाद देखिए, कर्णी दो कर्णी में तीन है, गुणे कर्णी में तीन है। अब देखिए यहाँ पर दो कर्णी में तीन और गुणे कर्णी में तीन, अभी अभी के लिए अगर आप दो को भूल जाइए तो सेम यही प्रोसेस आप लगाइए, कर्णी में तीन को कर्णी में तीन से हम गुणा करेंगे तो बचेगा क्या, तीन। यहाँ पे देखिए जैसे सात को और सात को, कर्णी में सात को कर्णी में सात को आपने गुणा किया तो बचा सात, उसी तरह से यहाँ पर क्या बचेगा, कर्णी में तीन का गुणा करेंगे तो बचेगा तीन। तो यहाँ पर देखिए दो पहले से है, उसके बाद यहाँ पर गुणे का निशान होगा, और कर्णी में तीन और कर्णी में तीन का गुणा करेंगे तो बचेगा तीन। तो हो क्या गया, दो गुणे तीन। अब दो गुणे तीन को हम गुणा करेंगे तो दो तियाँ छः हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पे देखिए चार कर्णी में चार है और यहाँ पर दो कर्णी में चार है, तो चार कर्णी में चार और दो कर्णी में चार को हम गुणा करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर देखिए चार है और उसके बाद ये दो है, तो चार का दो में गुणा हो गया। यहाँ पे देखिए चार गुणे दो, और चार और कर्णी में चार को जब गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, चार, सिर्फ चार बचेगा, ये कर्णी और ये कर्णी हट जाएगी, यहाँ पे सिर्फ चार बचेगा। तो ये वाला चार यहाँ पे है, ये दो यहाँ पे है, और इन दोनों का जब हम गुणा किए तो हमें मिला चार, तो ये इतनी संख्या हो गई। अब इनको हम गुणा कर लेंगे, चार दूना आठ तो ये हो जाएगा आठ और गुणे चार, फिर इनको हम गुणा करेंगे तो आठ चौक बत्तीस, तो हमारा बराबर क्या आ जाएगा, आठ गुणे चार बराबर बत्तीस, ये हमारा आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर भाग कैसे करते हैं, भाग करने के लिए कर्णी में पाँच को कर्णी में पाँच से भाग करना है, तो हम लोग इस तरह से इसको लिखेंगे, कर्णी में पाँच भागे कर्णी में पाँच, तो कर्णी में पाँच और कर्णी में पाँच को भाग करेंगे तो ये दोनों आपस में कट जाएगा, बचेगा एक। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या बचेगा, जीरो, कुछ भी नहीं बचेगा, जो दोनों कट जाएंगे तो जीरो बचेगा। यहाँ पर देखिए दो कर्णी में तीन और चार कर्णी में तीन है, तो इसको हम लिखेंगे इस तरह से, दो कर्णी में तीन बटे चार कर्णी में तीन, तो दो कर्णी में तीन बटे चार कर्णी में तीन, कर्णी में तीन से कर्णी में तीन कट गया, और यहाँ पर दो है, दो एक कम दो, दो दूना चार, तो बचा क्या, एक बटे दो, ये हमारा आंसर हो गया। और यहाँ पर देखिए पाँच कर्णी में दो है, पाँच कर्णी में दो भागे कर्णी में दो, तो पाँच कर्णी में दो भागे कर्णी में दो, कर्णी में दो से कर्णी में दो कट गया, बचा क्या, पाँच, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग करते हैं जोड़ घटाना गुणा भाग कर्णियों का। आई होप आपको जोड़ घटाना गुणा भाग करना समझ में आया होगा, कुछ ना कुछ तो समझ में आया ही होगा। तो वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे इसी तरह से नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।